हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नागरिकता कानून को लेकर देश में हो रहे हंगामे के बीच सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि अभी एनआरसी को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये बात कही गई है। लोकसभा में गृहमंत्री से पूछा गया था कि एनआरसी की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है और कब तक चलेगी। ये भी पूछा गया था कि क्या सरकार को पता है कि एनआरसी की प्रक्रिया से लोगों पर बोझ पड़ेगा। इसके अलावा ये भी पूछा गया कि क्या एनआरसी को लेकर राज्य सरकारों से कोई बात की गई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब में कहा है कि अभी एनआरसी को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, इसलिए इस पर जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपको बता दें कि जब से नागरिकता संशोधन कानून पास हुआ है तब से लगातार ये कहकर विरोध किया जा रहा है कि सीएए के बाद सरकार एनआरसी लाएगी। निर्भया कांड के दोषियों को फांसी में देरी का मुद्दा आज संसद में उठा। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने निर्भया के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग उठाई। संजय सिंह ने फांसी में हो रही देरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस पर सरकार की ओर से सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया और कहा कि निर्भया के दोषियों को फांसी में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने जरूरी प्रक्रिया में तेजी नहीं दिखाई। फांसी को लेकर राजनीति गर्म है लेकिन अभी भी निर्भया के परिवार को इंसाफ का इंतजार है। निर्भया के दोषियों की फांसी कानूनी दांवपेच में उलझी हुई है। यही वजह है कि दो बार फांसी की तारीख पड़ने के बाद भी दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में अगले 5 साल का विजन बताया गया है। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में 200 यूनिट फ्री बिजली, 20,000 लीटर पानी फ्री देने समेत कई वादे किए गए हैं। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा की गारंटी और हर शख्स को शुद्ध पानी 24 घंटे देने का वादा किया गया है। गली गली में स्ट्रीट लाइट लगवाने और महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी लेने की बात भी कही गई है। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने, अगले 5 साल में 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थयात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने बीजेपी को चुनौती देते हुए पूछा कि वो अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट का नाम बताएं। केजरीवाल ने कल दोपहर 1 बजे तक का वक्त दिया है और कहा है कि वो बहस को तैयार है। केजरीवाल के शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में केजरीवाल ने कहा कि सबको पता है कि शाहीन बाग में प्रदर्शन से चुनाव में किसको फायदा है। केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी चुनावी फायदे के लिए लोगों को नहीं हटा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय तक सुस्त रही राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने अपने रिलॉन्च के बाद एक बार फिर पोस्टरबाजी की राजनीति शुरू कर दी है। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में एमएनएस ने पोस्टर जारी कर बांग्लादेश को चेतावनी दी है, बांग्लादेशियों को चेतावनी दी है। पोस्टर में कहा गया है कि अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी अपने देश वापस चले जाएं, नहीं तो उनके खिलाफ एमएनएस के स्टाइल में आंदोलन शुरू किया जाएगा। एमएनएस ने कुछ ही दिन पहले नए झंडे और हिंदुत्व की नई विचारधारा के साथ एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाने की शुरुआत की है। यूपी के मिर्जापुर के स्कूल में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। रामपुर अतरी गांव में मिड डे मील के लिए बनाई गई सब्जी के भगोने में 3 साल की एक बच्ची गिर गई। गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में खाना बनाने वाली महिला की लापरवाही भी सामने आई है। महिला कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रही थी। जिलाधिकारी ने हेडमास्टर को निलंबित कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अब आपको नागरिकता कानून के समर्थन की अनोखी तस्वीर दिखाते हैं। यहां शादी के मंडप में दूल्हा हाथ में सीएए के समर्थन की मेहंदी लगाकर पहुंचा था। साथ ही दूल्हा जिस घोड़ी पर चढ़कर आया उसके आगे गाय और बछड़ा चल रहे थे। सूरत शादी के मंडप में दूल्हा जब हाथ में सीएए के समर्थन में मेहंदी लगाकर और गाय के साथ पहुंचा तो लोग देखकर दंग रह गए। दरअसल ये शादी गुजरात के सूरत शहर में हुई और इस अनोखी शादी की खासियत ये थी कि शादी में मुख्य अतिथि कोई वीआईपी नहीं बल्कि गाय थी। दक्षिण अफ्रीका में आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा आईसीसी अंडर 19 2020 का पहला सेमीफाइनल मैच। टॉस जीतकर पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल तक अजेय रही हैं। क्वार्टर फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई थी जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पछाड़ा था। आज तक भारत और पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के बीच कुल 23 मैच हुए हैं जिनमें से भारत ने 14 जबकि पाकिस्तान ने 8 मुकाबले जीते हैं। ये दूसरा मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान की टीम अंडर 19 विश्व कप के सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी। अगर टीम इंडिया आज जीतती है तो 7वीं बार फाइनल में पहुंच जाएगी। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।